अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं अभी लंदन से हॉलैंड की तरफ बाय रोड गाड़ी में, बस पे ही। तो जैसा कि मैं परसों ही आया हूं उधर से इधर, तो रात का सफ़र था, तो मैंने कहा क्या दिखाना, तो अब क्योंकि दिन का टाइम है, रोशनी भी है, तो मैंने सोचा ये सफ़र आपके साथ थोड़ा थोड़ा शेयर कर दूँ। तो अभी हम जाएँगे यहाँ से बाई रोड, तकरीबन एक घंटे का रास्ता है डोवर, जो कि यहाँ की बंदरगाह है, वहाँ हमारा वो होगा इमिग्रेशन वगैरह, बॉर्डर चेकिंग होगी, उसके बाद हमने फेरी बुक करवाई हुई है, क्योंकि दो रास्ते हैं, फेरी के थ्रू या ट्रेन के थ्रू। तो हम फेरी में जाएंगे, गाड़ी फेरी में रख के ऊपर चले जाएंगे, फिर हम फ्रांस में कैले में बाहर निकलेंगे, फिर फ्रांस से एम्स्टर्डम की तरफ चलेंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ लंदन से डोवर की तरफ, तो आपको शेयर करते जाएंगे आप मूवमेंट्स रास्ते में। पिछली दो बिल्डिंगें दिखा दी हैं, वो जो पीछे नज़र आ रही हैं आपको, जिनकी चुनियाँ निकल, ये इस वक्त जो दो बिल्डिंगें पीछे नज़र आ रही हैं, ये दो ये हैं वो नवाज शरीफ की जो बिल्डिंगें थी उसके बेटे की, जो वो बेच गए हुए हैं। तो ये इन्होंने दो बिल्डिंगें बनाई थी जिनमें अपार्टमेंट थे, होटल वगैरह थे हसन नवाज के जो थे, लेकिन जब ये पनामा का शुरू हुआ तो एकदम से इन्होंने वो बेच दी थी। तो ये अल्फर्ड के इलाके में बड़ी फेमस ये शरीफ बरादरान की बिल्डिंग थी, तो मैंने कहा ये भी दिखाते जाएँ, तो चलो चलते हैं। ये हम अब बॉर्डर चेकिंग के बाद अब हम फेरी के अंदर जा रहे हैं, ये देखें जितने ट्राले वगैरह हैं ये सारे फेरी के अंदर बोर्ड हो जाएंगे, तो हम भी अपनी गाड़ी फेरी में लगा के, तो फिर ऊपर जो रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं उसमें चले जाएंगे। तो ये अब हम जैसे फेरी के अंदर जो बड़ा जहाज़ है, यानी
हम यहाँ पर बोर्ड में आ गए तो ये अब फेरी नीचे ट्राली वगैरह खड़े हैं, हमारी गाड़ी नीचे लग गई है, तो ये फेरी अब फ्रांस की तरफ जा रही है। तो वहाँ बड़ी तेज़ है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हम फेरी इंजॉय करते हैं, 2 घंटे की फेरी है, तो उसके बाद फ्रांस। हम इंग्लैंड डोवर से पूरा समुद्र को जो है चैनल को क्रॉस करके अभी फ्रांस कैले के बॉर्डर पर पहुंच गए। कैले को ये तो दूर आ रहा है, फ्रांस का शहर कैले है। तो यहाँ वो बोट जो है ना बंदरगाह पे लगेगी और फिर सब गाड़ियाँ ट्रक वगैरह निकलेंगे और हम फ्रांस से फिर बेल्जियम से होते हुए यूरोप के अंदर आ चुके हैं, यूके से। अभी हम कैले में निकला है बोर्ड से बाहर, अब इसी बोर्ड में नीचे ट्रक खड़े हैं सारे, ये वापस जाएंगे इसी बोर्ड के अंदर। तो ये जो पता लग गया है सारे, हम तकरीबन 100 ट्रक जो है बोर्ड के अंदर जाते हैं। Thank you.
लो जी हम फाइनली एम्स्टरडम पहुंच गए हैं। जरा बत्ती जला लो इतना जल्दी है कि नहीं। हाँ जी, तो तकरीबन 7-8 घंटे लग गए हैं क्योंकि रास्ते में रश वगैरह था। तो अब ये एम्स्टरडम पहुंच गए हैं। तो अगला जो है ना, ये तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये थी जर्नी लंदन से एम्स्टरडम वाया फ्रांस एंड बेल्जियम। तो कल और परसों ये दो दिनों में कोशिश करेंगे कि आपको एम्स्टरडम के ज़रा सेंट्रल और शहर के कोई ख़ास जगह दिखा दी जाएँ। तो उस वक्त तक अपना ख्याल रखें।